और इस समय हम मौजूद हैं सिकंदरपुर के नूरजहां मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज एंड चाइल्ड एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन कराया गया है, बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल पेश किया है और अपनी जो कलाकृतियां हैं, जो इनके अंदर कला है, जो कला छुपी हुई है उसको बाहर निकालने की कोशिश की है। इस समय हमारे साथ मौजूद है नूरजहां मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक और इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी शेख अहमद अली संजय भाई। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये जो एग्जीबिशन रखा गया है, ये आज नूरजहां मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज में रखा गया है, तो आप इसमें सर क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? बच्चे कम खर्चे में अपनी क्षमता को प्रदर्शित किया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को देता हूं। सर हम ये जानना चाहते हैं कि आगामी दिनों में क्या इससे भी बहुत बड़ा एग्जीबिशन यहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? अवश्य अवश्य, सरकार की नीति रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसके तहत हम चाहेंगे कि इनको खूब आगे बढ़ाएं और सरकार से इसका प्रोग्राम लेके बहुत बड़े पैमाने पर इसका। अभी ये जो इन लोगों ने बनाया है साइंस का जो भी प्रोजेक्ट इनका है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके बारे में हम इनसे पूछेंगे। हालांकि फर्स्ट प्राइज मिला है इनको विद्यालय की तरफ से, तो हम इनसे पूछेंगे सबसे पहले कि बताइए ये कैसे काम करता है। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसमें हम हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और इसमें कोल की जगह पे यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। ये फ्यूचर को देखते हुए इस प्लांट को बनाया गया था, क्योंकि कोल जो है अर्थ पर बहुत ही कम मात्रा में है। इस वजह से इन द फ्यूचर अगर कोल खत्म हो जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस प्लांट को बनाया गया था। इस वजह से यूरेनियम 235 का यूज किया गया है। ये बताइए आपको क्यों लगता है कि कोल आने वाले समय में खत्म हो जाएगा? क्योंकि अर्थ बहुत ही सर्टेन क्वांटिटी में है ना, इस वजह से ये इन द फ्यूचर खत्म होगा ही कभी ना कभी। ये लाइट कैसी चल रही है? ये मिनी टॉर्च है, मिनी टॉर्च है जिससे लाइट। क्या यूज है? ये वेपर्स जो होते हैं, जो वेपर्स होते हैं उनको बाहर निकालता है। आगे देखिए, आगे जो प्रदर्शनी लगी है ये है क्लास 11th की प्रदर्शनी है, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनको विद्यालय की तरफ से सेकंड पोजीशन दिया गया है, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या यूज है, इन्होंने किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया है। सर ये ड्रिप इरिगेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, और इसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। और सर इसमें पानी सप्लाई करने के लिए एक पाइप का यूज किया जाता है, जिससे पानी जो है बिल्कुल पौधों की जड़ों में जाता है। अगर हम लोग ट्यूबवेल वगैरह यूज करेंगे तो उसे पानी फोर्स लगेगा, जिसके वजह से मिट्टी जो है वो हट जाएगी, तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है उस जगह की, तो फसल अच्छे से नहीं हो पाती। इसलिए ड्रिप इरिगेशन से पानी की भी बचत होती है और पौधे की फसल भी अच्छी से होती है। तो ये आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं इसके माध्यम से? सर हम ये कहना चाहते हैं कि लोगों को ये वाली सिस्टम अपनानी चाहिए अपने खेतों में लगाने के लिए, ये बहुत अच्छी है और इससे पानी की भी बचत होती है, क्योंकि इस फिलहाल में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जिसकी वजह से पानी और सारी चीजों की कमी हो रही है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम एनएमजी क्लास 10th की तरफ, जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, कैसे काम करता है, तो इसके बारे में कौन बताएगा आप लोगों को? सर जब सन के बीच में जब सन और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है, तो सन से निकलने वाले लाइट को मून कवर कर लेता है, तो अर्थ के कुछ एरिया पे ब्लैक हो जाता है, इसलिए सन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए हम क्लास 9th एनएमजी आईसी क्लास 9 की तरफ बढ़ते हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया है। ये डीएनए है, इसका क्या यूज है, डीएनए क्या होता है? डीएनए ये उसके किसी के माता पिता को उसके संतानों तक मिलवाता है डीएनए के द्वारा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे जो क्लास है क्लास 8 से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया है और इसका दिखाना ये क्या चाहते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका हमारे शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल और स्ट्रक्चर। इसका खोज रॉबर्ट होक ने किया था 1665 ईस्वी में किए थे, जो कि मृत कोशिका की खोज किए थे। और बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आगे की तरफ बढ़ते हुए हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्लास 7th
क्लास सेवेंथ का क्या ये प्रोजेक्ट है, इन्होंने क्या प्रदर्शित करने की कोशिश की है, सोलर पावर पावर सिस्टम है जो भी है ये, तो हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। कौन बताएगा आपको? ये इसमें कंट्रोलर में जाता है और इससे इसमें पैर में पानी जाता है, पानी से इसमें आता है, इससे किसान को मतलब वो होता है, फायदा होता है। आगे बढ़ते हुए, आगे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हुए हम देखेंगे कि ये क्लास सिक्स का प्रोजेक्ट है और इन लोगों ने जो भी मेहनतें की है, ये क्या बनाने की कोशिश की है, ये क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, हम बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये सोलर सिस्टम है हमारा सौर मंडल, ये हमारे हमारे ग्रह में ग्रह को बताता है कितने हैं और हमारे ग्रह को बताता है कौन सा हमारा ग्रह है जिस पे हम रह सकते हैं, और हम लोग जिस ग्रह पे रहते हैं उसका नाम अर्थ है। और ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे हम बढ़ते हैं क्लास चाइल्ड एजुकेशन सेंटर क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है ये किस तरीके से काम करता है, इसका नाम क्या है, ये प्रदर्शित करना क्या चाहते हैं। हालांकि इनको थर्ड पोजीशन मिली है इस एग्जीबिशन में, तो आप लोगों में से कौन बोलना चाहेगा? इस प्रोजेक्ट का नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे हम तक कैसे पहुंचती है, यहाँ से पानी अगर रिवर का स्ट्रीम फ्लो करके इसमें से ये टर्बाइन को मूव कराता है जो कि जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिर वहाँ से लेकर के फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो कि हम तक पहुँचती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं हम 8th की तरफ बढ़ेंगे और इनसे जाने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने क्या बनाया है। सर, हमने लाइटिंग कंडक्टर बनाया है जो हमें बिजली से प्रोटेक्ट करता है। अगर बिजली अगर हमारी बिल्डिंग पे गिरने वाली रहती है तो वो बिल्डिंग पे नहीं गिरती है, वो कहीं और जाके गिर जाती है, तो उससे हमारी बिल्डिंग सेफ रहती है, इससे हमारी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता है। ये बताइए कि आप लोगों को बताना क्या चाहती हैं? सर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो मतलब लाइटिंग कंडक्टर वो अपने घरों पे लगाए जिससे उनके भी घर सेफ रहेंगे और उनके थैंक यू सर। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए हम क्लास 8 की तरफ आ रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया है, क्या क्या ये लोगों को दिखाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से, बताइए। सर, वी हैव मेक दिस प्रोजेक्ट फॉर रिन्यूएबल रिसोर्सेज बाय वाइंड द सोलर एंड वाटर इन दिस रिन्यूएबल रिसोर्स। दिस इज it is solar panel, it is made of silicon. Solar panel work is sun light absorb and convert into electricity, and this fan is work is wind wheel is convert into electricity and give electricity and use that sort of thing. Bahut bahut shukriya, thank you so much for information. Next students ki taraf badhte hue hum उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का ये प्रोजेक्ट है और इन्होंने क्या बनाने की कोशिश की है, बताइए। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो हम जब सांस लेते हैं तो ये हमारे ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में मिलते हैं, और हमारे सेल्स और वाटर मिलकर ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ये क्लास 6 का है, बच्चों ने बनाया है, सोलर सिस्टम है कोई इनका जो भी है, तो ये अर्थ है और मून है, ग्रहण कैसे लगता है ये दिखाने की कोशिश की है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय हम मौजूद हैं नूरजहां मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज में और यहाँ पे साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ था। बच्चों ने बहुत जीतोड़ मेहनत की है, चाइल्ड एजुकेशन क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड के बॉयज ने बहुत बेहतर प्रदर्शन दिया, प्राइज इन्होंने पाया है। अगर हम दोनों लोगों को उनका प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तभी पाया, तो प्रेजेंटेशन के आधार पे ही आपको नंबरिंग दी गई है। इसमें आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है, आप जो भी फ्यूचर में मॉडल बनाए उसका ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें, उसकी बारीकियों को पढ़ें और अपने प्रेजेंटेशन पे जोर दें और आगे निश्चित रूप से आप भी सफल होंगे। ये तो अभी शुरुआत है, अभी आपको आगे बहुत कुछ करना है, और बहुत अच्छा लगा आपका
प्रदर्शनी देख के आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने लाइफ में जो अचीवमेंट आप पाना चाहते हो आपको मिले। धन्यवाद। कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है। हमको मंजिल आसमान है, हमको रास्ता खुद बनाना है। और एक काम करना है, शीशे में रोज देखें अपनी तस्वीर को और आप हर रोज बोले, सुन ले भाई आज सपने में है कल हकीकत होगा। और ये सारी चीजों को देख के, आपके हुनर को देख के मुझे लगा है कि ये सपने साकार होंगे। और चाइल्ड एजुकेशन नूर जहां मुस्लिम गर्ल्स का और सिकंदरपुर का और हमारे देश का नाम रोशन होगा निश्चित। इन्हीं के साथ सबको धन्यवाद। हम अपने संतोष सर और तमाम स्टाफ को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि एक बुझता हुआ चिराग था। इदारा तो मैंने काम कर दिया था लेकिन ये बुझता हुआ चिराग था जिसको आप लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर रोशन किया है। मैं